जहां एक ओर विपक्षी दल और किसान मिलकर कृषि अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं भाजपा किसान मोर्चा इस अध्यादेश के फायदे गिनाने के लिए जगह जगह प्रेस वार्ता कर रही है, जिसके चलते सोलन में भी भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि पर अध्यादेश लगाया गया है, वे किसानों के हितों में है, जिससे कालाबाजारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, उनको उनकी फसल के उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिमाचल के किसानों को समर्थन मूल्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अच्छी नीति की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही किसान मोर्चा के 15 प्रहरी गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि अध्यादेश की जानकारी देंगे, किसानों को जागरूक करेंगे कि विपक्षी दल केवल मुद्दा बनाकर इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से बिचौलियों का सफाया होगा, हिमाचल का किसान अपनी फसल भारत में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसकी वजह से उसकी फसल के उन्हें उचित दाम मिलेंगे, समर्थन मूल्य किसानों को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक के लिए वे देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, नरेश चौहान, सुनील ठाकुर, रोहित ठाकुर, स्वरूप शर्मा, नरेंद्र ठाकुर भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। ये कृषि विधेयक 2020, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, हिमाचल प्रदेश, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि किसानों के लिए इस विधेयक के नाते जो उन्होंने पहले घोषणा की थी कि 2022 तक देश के किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 2020 में देश के लगभग 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया, जो भी आज़ादी के बाद पहला इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, हिमाचल प्रदेश भी बूथ स्तर पर जाकर ये जो योजनाएं लागू हुई हैं इनको लेकर किसान को जागरूक करेंगे। दूसरा, जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो कई बातों पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MSP बंद कर दिया जाएगा, जबकि आज ही आप देखेंगे कि MSP बढ़ी हुई कीमतों के साथ केंद्र की सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे किसानों के विकास के लिए और किसानों का नई उन्नत किस्म का बीज देने के लिए पहली बार ऐसे फैसले हुए हैं और अभी ये जो बिल आया है उसका भी हम समर्थन करते हैं। किसान जिसका कि अधिकतर मीडिएटर्स जो बिचौलिए थे, बहुत सा धन उसका, उसको मात्र 40 पैसे मिलते थे और 60 पैसे बिचौलिए यूज करते थे, उसको भी कम से कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता की है, बागवानों की चिंता की है और वो कम से कम बिचौलियों का प्रयोग हो, किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले और उसकी आय दुगुनी करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार का, दोनों का किसान मोर्चा धन्यवाद करता है कि इन योजनाओं से किसान की आय दुगनी होगी और जो किसान 500 रुपये के लिए आत्महत्या करता था, आज उसके खाते में भी सरकार वर्ष में 6,000 रुपया डाल रही है। हमारा बहुत से किसान अब धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ रहे, हम आगे से भी सरकार से ऐसी अपेक्षा करेंगे कि इस तरह की योजनाएं लाकर हमारा किसान समृद्ध हो, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ की सरकार ने बहुत सी, जो हमने कहा है कि खुशहाल किसान के लिए जो प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है, पहली हिमाचल प्रदेश की सरकार है जिसने 25 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए जारी किया है। जहर मुक्त खेती हो, हमारे किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता सरकार ने की है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, उसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का धन्यवाद करता है।